मौजद साहब ने जरा मुझे कवरेज किया कि जनाब मौलाना मोहम्मद सकलान करो रौनक अब्रोज मेम्बर हो ये नशस्त तो बर्खास्त में एक दो अलानात हैं ये समात फरमा लें नौ सफ़र को इसी मरकजी इमाम बारगाह में एक मंच अजा मनाकद हो रही है जिसमें जाकर सैयद इकबाल से शाह साहब बजाट रिजवान अब्बास क्यामत मौलाना मंजूर हुसैन जवादी और इसके अलावा और बहुत से जाकरीन हैं नौ सफ़र को इसी इमाम बारगाह में ये मंच अजा मनाकद हो रही है 26 सफ़र को ततराल में एक मंच अजा मनाकद हो रही है जिसमें अलामा हाफिज मुर्तज़ा महदी जाकर आगा तसीर अब्बास शेखुपुरा से तय मरातब वो खिताब फरमाएंगे 26 सफ़र को ततराल में मंच अजा मनाकद हो रही है 17-18 मुहर्रम को भीम में मंच अजा मनाकद हो रही है जिसमें नाहिद अब्बास जा गुलाम बाज फरीका अली अहमद जोया मुदसर इकबाल जामरा और इसके अलावा और उलमा ज़ाकरीन वो खिताब फरमाएंगे ये मसरूआत के लिए एक ऐलान है कि 26 जुलाई को 7 मुहर्रम को अरसलान अदरशानी के मकाम पर मौला जाफराबाद में मैच अजम मनाकद हो रही है दिन 2 बजे मसरूआत से शिरकत की इस्तेदार 6 सफ़र को इमाम बारगाह कसर अब्बास मौला जाफराबाद में एक मैच अजम मनाकद हो रही है जिसमें मौलाना मोहम्मद अफजल हैदरी मौलाना सैयद अजहर अब्बास शिराजी मौलाना मोहम्मद इसहाक तुरावी और इसके अलावा और उलमा ज़ाकरीन हैं वो खिताब फरमाएंगे और 18 मुहर्रम को बलो कसर में ये एक मंच अजा मनाकद हो रही है जिसमें मुर्तज़ा आशिक इमरान अब्बास कुमी तकी अब्बास क़यामत अली इमरान जाफरी और इसके अलावा और उलमा ज़ाकरीन वो खिताब फरमाएंगे 18 मुहर्रम को ये बलो कसर में मंच अजा मनाकद हो रही है शाम गरीबा की मजलस इमाम बारगाह शान हुसैन जाफराबाद में 10 मुहर्रम को रात 8:30 बजे मनाकद होगी मौलाना अयाज दमिश्की वो खिताब फरमाएंगे ये शाम गरीबा का मस्तूरात के लिए कहलान है कि 10 मुहर्रम को रात 8:30 बजे इसी मरकजी इमाम बारगाह में मजलिस-ए-अज़ा मनाकद होगी रावलपिंडी चक्री से ज़ाकरा तशरीफ लाएंगी वो खिताब फरमाएंगे आज़ादारी का इस इमाम बारगाह का आइंदा का प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे आज एक मातमी जुलूस इमाम बारगाह माजरी सादात से बरामद हुआ है वो यहाँ पहुँचा है कल यहाँ से बरामद होगा और छप्पड़ बाजार पहुँचेगा वहाँ मजलिस बबा होगी कल इस अजा खाने में 7 मुहर्रम को मजलिस नहीं होगी 8 मुहर्रम को यहाँ से बरामद होगा और पुरानी सब्जी मंडी चौधरी मोहम्मद अली खान के घर के करीब है वहाँ मजलिस होगी यही मुकर्रम इसी वक्त में वहाँ पुरानी सब्ज़ी मंडी में खिताब फरमाएंगे 9 मुहर्रम को फिर इसी इमाम बारगाह में हस्ब साबक मजलिस होगी 10 मुहर्रम को यहाँ से सुबह ज़री मुबारक बरामद होगी ये 7 सखी साबत सबूत का दरबार है वहाँ जाएगी और वहाँ मजलिस शुरू हो जाएगी यही मुकर्रम जो है वो 10 मुहर्रम को खिताब फरमाएंगे वो आफ्ताब फजीलत जिसे जवाल नहीं वो आफ्ताब फजीलत जिसे जवाल नहीं करूँ जो वस्फ तो इतनी मेरी मजाल नहीं तमाम आलम इंसानियत में बाद रसूल खुदा गवाह है अली की कोई मिसाल नहीं अली का नाम लेने से दिल को सुकून मिलता है अली का नाम लेने से दिल को सुकून मिलता है अली के घर से हक का कानून मिलता है मैं उस अली का जिक्र करता हूँ तनवीर जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है मज़ा समय ग्रामी अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब मौलाना मोहम्मद सकलान करीम साहब से कि वह ज़ेबे मेंबर हो और अपने मुआज़े हसना से आप हज़रात को मुस्तफ़ीद फरमाएँ कबल इसके कि जनाब मौलाना मसूफ़ ज़ेबे मेंबर हो ताजील इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए बुलंद तर्ज सलवात सूले
इस खुदाए सुखन मरहूम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक शेर की शक्ल एक बुझारत लिखी दुनिया में एक शजर है नहीं है जिसको चैन जाहिर में हसन तो बातिन में हुसैन शजर है नहीं है जिसको जैन जाहिर में हसन बातिन में अच्छा जिहड़ा मौजू आई शेर की सही उसे दे मुतलक मेरे दिमाग इनाम बंद होके एक गुले लाला खिले गुल फारसी गुल कुसन जिस अपनी महक नाल खुशबू नाल पूरी वादी ये यसरिब को मुअत्तर कर हसनी गुलशन दा फुल मुझ तबाई चमन दा फुल क्या नाम नामी और इसमें गिरामी है इस गुले लाल फितरत के दी जनाब बंदी की नबीर शाह तवज्जो नहीं फरमाई बादशाह सामने तख्त बैठा होवे ते उसकी तारीफ करन वाला उसकी तारीफ करे फिर लुत्फ नबीरे शाहे लाफता सर तापा अक्से मुझतबा चरागे महफिले सब्द कबा जिस आदमी नू ए लकब समझ च ना आया फिर नसीब उस सामने वारे से हुस्ने हुस्ने खुदा खुदाई हुसन का मजहर हसन ते हसन दे हुसन का अगू वारे ये शाहजादा बाप दे हुसन का नबीरे शाहे लाफता नबीरा पोते को भी कहते हैं और नवासे को भी कहा जाता है शाह लाफता मौला अली का खिताब है आप तो जानते हैं नबी रे शाह लाफता सर तबा अक से मुझ तबा फानू से महफिल सब्ज कबा वारे से हुस्ने हुस्ने खुदा शाहजादे जनाबे अमीर कासिम ये मजीद को गुंजाइश है सन भी दस दिता मैं जहूर दा तारीखी दस दी वारी दस दिता वक्त भी दस दिता तो वजह है अच्छा शाहजादे जनाबे अमीर कासिम दिया तीन चीजा मुनफरद या तो मैं कह दो कि मैं मौजू बदल दिया नहीं तो मैं इसे मियार पढ़ना
چونکہ انہاں تو بڑا خاندان کوئی نہیں، بھلے سماج وچ نام ان مشکل نہ ہو، مگر نوکر دی تے کوشش ہوندی ہے نا جو سونی تعریف کر. برادری ہے قوم وہ جڑے بڑے خاندانوں کا شجرا تیار کرتے ہیں، وہ سال چیک دو دفعہ آتے ہیں، وہ شجرا بڑی تعریف کرتے ہیں، بھائی تمہارا فلاں دادا اتنا بہادر ہے، فلاں دادا اتنا سخی ہے، بڑے القابات انہوں نے لقب چاہتے ہیں. میں اپنے آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا شجرا خان سمجھتا ہوں. خوبصورت تو خوبصورت، تاکہ اجنبی بندے کو پتہ لگے کہ جس ہستی کو ہدیہ پیش کرنے واسطے ذاکر اتنے اونچے لفظ بولتا بیٹھے، وہ کتنے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ. اوے بابا ایک گلی محلے دے لوگوں کا ذکر نہیں، یہ عرش دے وسطاں دا ڈھونڈنا شروع کیا. تو
देखो हर वालिदैन वास्ते अपना बेटा सब तो ज्यादा सोना किसे बाप तो पूछो मां तो पूछो चकवाल दे किसे मां बाप तो पूछो भाई पूरे चकवाल सोना बच्चा कहते सही में तो रोजाना की बात है फितरत है ना नेचर है सही मेरा अपना अच्छा वो मशहूर नहीं एक वाकिया भाई वो बादशाह ने किसी बेकार औरत ने कहा कि पूरे शहर जो खूबसूरत बच्चा लग के लाया ते वो अपना कई महीना तो आन धाता कुलिये च बच्चा पढ़ के दुश्मन की चंगाई भी छुपाते बंदे का दुश्मन मस्जिद के बाहर निकले ना दिलो बखन यार बड़ा निमाजी निमाज पढ़ गया वो क्या सी नहीं गए घर पक्का खराब है चौदहवीं का चांद
सच्चाई जिम्मेदारी ना सुन लफ्ज क्या लिखा रिवायत में कफलक दिल कमर कमर पूरे चांद के लिए बोला जाता है हिलाल कमजोर चांद के लिए बोला जाता है और जब चौधरी का चांद हो मुकम्मल उसे कमर कहा तो सब ने कहा वो देखो जेड़ा मुतवज्जे नहीं सी नाल वाले मुंड आ रहा है वो देखो वो देखो ओफो के ख्याम हुसैनी से चौधरी का चांद मोर में अपनी बट्ठा सुनना जिगर गुर के अंदर कम है मैं तो खुदा ने ना खुदा की कसम तवज्जो ने कायल नहीं दो तबा थोड़ा जिया गौर करो ना कह रहे थे एक कई आखे चौधरी का चांद आम दुश्मन है कोई छोटी मोटी दुश्मनी है साबतों जी 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 खुद सोचेंदे रहा है जो शाहजादा सबसे बड़े दुश्मन की नजर में चौधरी का चांद है वो मां बाप की नजर में क्या है जिसकी मिसाल फकीर है नाजाब है दूसरा शाहजादे का दस्तरखान मशहूर है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान तो सब जानते हो 15 रमजान हर घर में दस्तरखान होता है होता या नहीं होता इमाम हसन अलैहिस्सलाम दा शहजादे अमीर कासिम दा भी दस्तरखान मगर एक फर्क है बाप दा 15 रमजान बेटे दा 60 मोहर नहीं तो बेटे दस्तरखान को याद करें रखा करें कुरान में एक पूरी सूरत है जिसका नाम है दस्तरखान तो कुरान की सूरत का नाम है माएदा सूरह माएदा ये वो दस्तरखान है जो अल्लाह ने कौम बनी इसराइल के लिए नेमतों से भर के आसमान से होता है जिनके उत्ते भुने हुए बटेरे ये खुश हो गए ते माखी नुमा शहद नुमा मिठाई आई खर्चे दे अगो उन्हें भी वफा दे वो जाली दिहाड़े जो मूसा अलैहिस्सलाम को है दूर ते गए ते वापस ना आए सिर्फ चाले नहीं तो गए लोगों को बर्दाश्त न थिया उन्हें सामरी के बछड़े की पूजा शुरू कर इस वास्ते दसदा पिया जो तेरा इमाम भी गए बे जरा वच्छा तो बच के रहा तब पता लगता है
चाहली नहीं अपनी हुज्जत की जुदाई न बर्दाश्त कर सके ते गुमराह हो गए। तुसां इतने अरसे दे विच कितने नुकसान करके फिर भी हर वक्त यही दुआ मंगते हो, अल्लाहुम्मा कुल ले वली। जो आपके लिए मुमकिन है, शरबत या दूध, उनमें से एक सेब उठाना है। जो दुआ मांगोगे साल पूरा नहीं होगा, बिलखसूस बेटे के लिए। मेरा भाई मुझे कह रहा था कि पिछले साल हमने मियां बीवी ने आले मोहम्मद के दर से गाड़ी मांगी थी, कि ये भी मुझे कह रहे थे, वो दे दी है। अब बेटियां हैं, बेटा दे। तो भैया कल दस्तरखान लगाओ कासिम, कल साथ है ना, साथ है ना, तो सेब उठा लो। मगर एक शर्त याद रखना, जब मन्नत पूरी हो बेटा हो तो कोई कैसा ही मशवरा देता रहे, मगर उसका नाम तुमने कासिम रखा। दूसरी दस्तरखान की करीमी शहजादे कासिम दिए, दो तीसरी सुनो और फिर दुआ लो जाओ। हर शहीद की वक्री निशानी हुई, हुसैन का जुल जला, अब्बास का अलम, अली अकबर का ताबू, अली असगर का झूला, जनाब मुस्लिम के बेटा के कुर्ते बरामद होने वाले नहीं, हसन के यतीम भी। Hey!
अपनी धरती पे आ सकता है। फिर साथियों ने मेरा मुंडा लाया सकता है, तो अपने गुलाम न रहे, हुसैन का करम हुए, हुसैन का करम हुए, वरना इतना आम बंदे दे वासे ची नहीं आना होते नसीब से चलो। पहली ज़ियारत आई मेरी, इतना तजर्बा नहीं, इतना इल्म भी नहीं, क्योंकि हूँ तो हर वक्त पढ़ते लिखते हैं, वो जिमें जिमें टाइम गुजरता है मालूमात च इजाफा होता है। पहली ज़ियारत ते नहीं, मैं पहले कोई ज़ियारत नामा सफरनामा पढ़ा होया, बस जल्दी के विच प्रोग्राम बना बच्चों नाल में चला गया। मैं तवज्जो कुर्बान होगा, ईरान दियाँ ज़ियारत, शाम दियाँ ज़ियारत, करबला दियाँ ज़ियारत, सोने चांदी हीरे जवाहर अलम गुंबद गैलरियां फर्श तबर्रुका लखा की तादाद ज़ायरीन नियाज़मंद। ते जदों मैं करबला आया ना, ते मैं एक अलहदा कमरा वेखे जिस दियां अंदर बाहर दियां सारियां दीवारां मेहंदी नाल लेपियां हुईयां। ये भी मोहम्मद
قاسم اپنے دور وچ عرب وچ لے کے آیا سی جی کہن کے پہلی رات تو ہوندی ہے نا دلہے دی بہناں تے دلہن دی سہیلیاں مہندی تے تھال پڑا کے تاش نہ دلہے نوں لاندیاں نہ دلہن نوں آدیاں تمہیں بعد میں لگائیں گے پہلے ہم حسن کی بیوہ کی حسرت پوری کرنے جا رہے پتائیں ہو جلے عروسی تے کر کے آدیاں قاسم جا خوبصورت برآمد ہونے وہ حیدرآباد سندھ ہونے اتھے امام بارگاہ نو کیا جاندا ہے پیڑ پی اور رے پیڑ ہر امام بارگاہ ہے جو ہر پیڑ تو مہندی دے جلوس بڑیاں خوبصورت مہندیاں بڑیاں سنہری تشتریاں چ رکھی ہوئی اتھے موم بتیاں جل رہی ہیں کسے تے سیرے کسے تے گانے کوئی کسے گلیے چو آ رہی ہے مہندی کوئی کسے گلیے چو آ رہی ہے مہندی اتھے اگر بتیاں دی خوشبو ہوئے تے اتھا ہی شرط ہے کہ مہندی کے جلوس میں وہی مرد عورت بچہ بچی آئے گا جو سب سے پہلے پیشانی سے سیاہ پٹی باندھے گا اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالے گا تے سارے حیدرآباد سندھ جلوس ڈھلی ہوئی رات قدم کا مولا امیر المومنین دے آ کے ختم گویا علی دی قدم گاہ تے آ کے پرچے دین جو تیرے پوتر دی جوانی دے بڑے آخری ٹائم میت کو کفن پوایا ہوتا ہے حسین قاسم مہینے کے بعد
चौक नाल मत्था ला के आदि खड़ी है वाह गुरबत आ मेरी मकसद ही भाईवाल भेण गुरबत तो भेण क्यों की थे रो के सहन आदि है हंचू नाल में मेहंदी तो लो लई है पानी बंद आई ना अखी दे आंसू नाल मैं मेहंदी तो लो लई है कई घंटे हो गए तो आदि बेटी सब मेहंदी हथा ते नहीं लावन देंदे ऊंचे तो ऊंचा आरती खोड़ा ही हो गया
फुट का साढ़े पांच फुट का मैं गलत आखा मेरी इतना ही डूंगी पो बटी घोड़े की सीन तो जमीन दे आंदा तक शामिया हसन दे जतीन को पैंतरी शेरे कटे
हाकिम सी वो सैंडा कर मारी खबरदार मैं क्या समझे जो यतीम में मैं दवारे हुसैन आ गई इस जालिम उठाई तलवार सकी है डर हुसैन तू ये तोड़न लग गए हुसैन इस्तेवार की थे इस जालिम दा सज्जा बाजू बदन तो जुदा हो दो लाइन और हुसैन जोश है मारन जो इतने तक इना लाइन पूरी 9 लाख फौज ने बुलाए आओ सारी मदद ते सको हुसैन तो बचाओ सको हुसैन तो बचाओ हुन माफी दिवाए तू आकरा जो मैं मंजर कशी सही का किन्ना अपने सिपाहियों को बचावन वास्ते 9 लाख फौज अपने घोड़ा दा रोक का सिंध फेरे गलत आखन जबान गुंगी होए सच्चे दे खब्बे भज गए
बाद में आना, ये मैं थोड़े को हाथ बदे खड़ा मास्टर पूछना।